फिनाले से पहले संजना भट्ट को लेकर क्या कहती है सोशल मीडिया रिपोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, सारेगामा प का मंच अब पहुंच चुका है अपने फिनाले की ओर, यानी कि अब शो का रोमांच और भी बढ़ चुका है। सारेगामा प ने अपने टॉप 6 कंटेस्टेंट्स के साथ ये सेमीफाइनल का ट्रेलर जारी कर दिया है और इस ट्रेलर से हमें ये पता लगता है कि इस बार जो कंटेस्टेंट सबसे आगे चल रही हैं वो है फीमेल कंटेस्टेंट्स, और उनमें एक कंटेस्टेंट ऐसी है जो अब शो की लाडली कंटेस्टेंट बन चुकी है। हर तरफ बस उन्हें ही प्यार मिल रहा है और वो है संजना भट्ट। जी हाँ, एक तरफ जहाँ संजना भट्ट को लेकर फैंस उन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस बार की विजेता संजना भट्ट बने और पूरे भारत में एक मिसाल के तौर पर संजना को देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजना भट्ट को लेकर बस लोगों का ये कहना है कि संजना के साथ बस लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है और इसको लेकर अगर संजना विजेता बनती है तो ये दूसरे कंटेस्टेंट के लिए काफ़ी गलत बात होगी, क्योंकि नीलांजना, अनन्या ये ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने संगीत में काफ़ी समय दिया है, प्रोफेशनल सिंगिंग भी सीखी है और ये एक गेम है, ये एक शो है और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? इस तरह से मिलीजुली प्रतिक्रिया संजना को लेकर सोशल मीडिया पर आ रही है। क्या आपको लगता है कि फिनाले के इतने करीब आने के बाद संजना को लेकर इस तरह की सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया है वो उनको फेवर करेंगी? क्या आपको लगता है कि ऐसे मुकाम पर संजना जीत सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। शुक्रिया।